वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू लेटेस्ट वाली वीडियो आप। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपका आधार कार्ड खो गया है या फिर आपने अपने आधार कार्ड में सुधार करवाया है, जैसे कि आपने नंबर चेंज कराया है या फिर डेट ऑफ बर्थ चेंज कराया या फिर अपना जो एड्रेस पता है उसको चेंज कराया है, तो आपको ज़रूरी होगा कि आप अपने आधार कार्ड को निकालें घर से ही। तो इसी वीडियो में यही बताया गया है कि कैसे आप अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल से निकाल सकते हो। तो दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके आधार कार्ड में जो नंबर लगा है वो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर लगा होना ज़रूरी है, तभी आप ये आधार कार्ड अपने मोबाइल से निकाल पाओगे। तो दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, आज हम आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से आधार कार्ड निकालोगे। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हो तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये लाल बटन दबा के काला कर दो, ये लीला कर दो लाइक मार के, और कमेंट में हमें बताएं कि हमारी वीडियो अच्छी लगी, आपकी मदद हुई तो यस, अगर मदद नहीं हुई तो नो। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से आप कर सकते हो। आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा, एम आधार, गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है, आधार की अपनी ऑफिशियल एप्लीकेशन है, अराउंड 10 मिलियंस इसके डाउनलोड है। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे ओपन पे। ओपन पे क्लिक करने के बाद थोड़ी सी धीमी काम करती है लेकिन काम पूरा करती है। दो तरीके से आप अपने आधार कार्ड को निकाल सकते हो, या तो इस एप्लीकेशन के माध्यम या फिर आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट UDAI आधार कार्ड की गूगल पे वेबसाइट पे जाके निकल सकता है। दोनों तरीके से का ये सरल तरीका है, वहाँ पे थोड़ा आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा तब जाके वो ओपन होगा। तो देखो इसका ये आपको मैंने तो डाउनलोड हुई है इसके, तो आप अगर आप जैसे इसको डाउनलोड करोगे तो आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा और OTP मांगेगा, डाल देंगे तो ये खुल के इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब हमें डाउनलोड करना है आधार, तो हम डाउनलोड आधार नंबर हम यहाँ पर आधार नंबर फिल कर देंगे। यहाँ पे कैप्चा कोड फिल कर देंगे, सेंड OTP के लिए कर देंगे। OTP हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे चला जाएगा, 70 36 73, वेरीफाई कर देंगे OTP। वेरीफाई होने के बाद थोड़ी देर के लिए प्रोसेसिंग चलेगी इसकी, 30 से 35 सेकंड तक, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी चले। तो डाउनलोड होने के बाद ये ऑटोमेटिक PDF की फाइल आपके ये यहाँ से बैक होके ऑटोमेटिक आपकी PDF की फाइल, देखो ये हो गया डाउनलोड, यही ई कूपन डाउनलोड हो गया, ये हमारा जो है। तो यहाँ पे अगर आप ओपन करेंगे इसको, हम PDF फाइल बन जाएगा ऑटोमेटिक, जैसे कि अब मैं इसको PDF बना लेता हूँ, ड्राइव टू PDF, जो भी आपके में ऑप्शन होगा वह बन जाएगा। तो अब इसका इंटरफेस इस प्रकार से कुछ खुलेगा। अब जब आप इसको आधार कार्ड में पासवर्ड के रोगे तो इसमें दोस्तों डेट ऑफ बर्थ होती है, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 01/01/1990, तो आप इसको ऐसे घेरोगे 01/01/1990 ऐसे ही घेरोगे जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, कोई कॉमा स्पेस नहीं लगाना है, जैसे कि अब मैं इसमें घेर रहा हूँ जो भी डेट ऑफ बर्थ है। सॉरी, ये तो आधार कार्ड, वो पैन कार्ड खोलता है, इसमें आपको अपना नाम लिखेगा और पीछे से जितनी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो, सॉरी दोस्तों, AMIT अमित, पूरे कैपिटल अक्षर में आपका नाम आएगा AMIT और फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों देखो इस प्रकार ये आधार कार्ड खुल जाएगा। मेरा आधार कार्ड आप देख सकते हो किस तरीके से आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं किसी भी तरीके से, जो भी है देख लो, पूरा सब कुछ आ गया इसमें। तो दोस्तों देखा किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड को खुद से घर से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।